हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो थोड़ा सा ज्ञान भरा होने वाला है गाइस। आज के वीडियो में मैं थोड़ा हल्का फुल्का ज्ञान बांटने वाली हूँ आप लोगों के साथ, तो प्लीज़ बोर मत होना, ये वीडियो को कंटिन्यू एंड तक ज़रूर देखना। सो हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो गाइस, आप लोग मेकअप तो यूज़ करते ही होंगे, कभी बहुत हेवी मेकअप, कभी एकदम बेसिक मेकअप। हम लोग शादी में, पार्टियों में या फिर कोई भी फंक्शन में मेकअप तो यूज़ करते ही है, और बिना मेकअप ब्रश के हम लोग मेकअप यूज़ ही नहीं कर सकते। हाँ, कुछ लोग करते हैं, हाथ से भी मेकअप कर लेते हैं, लेकिन एक हाथ दो चीज़ या फिर एक हाथ दो प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो बिना ब्रश के पॉसिबल ही नहीं है। सो गाइस, जितना हम लोग या फिर आप लोग अपने मेकअप कलेक्शन, अपने मेकअप प्रोडक्ट्स या फिर आई शेडो पैलेट हो या फिर आपका कॉन्टरिंग पैलेट हो, ब्लश पैलेट्स हो, जितना हम लोग उसकी टेक केयर करते हैं, उतना मेकअप ब्रश का हम लोग ध्यान नहीं रखते। लेकिन हम लोग जिस ब्रश से मेकअप करते हैं वो ब्रश भी तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए ना गाइस। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेकअप ब्रश को हम लोग कैसे ध्यान रखें, उसको कैसे क्लीन रखें, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हाँ, शायद कुछ लोगों को पता होगा कि मेकअप ब्रश को कैसे क्लीन रखना है, कैसे नीट एंड क्लीन रखना है, कैसे कौन से पाउच में रखना है या फिर कौन से बॉक्स में रखना है, बहुत सारे लोगों को पता होगा। लेकिन जो बिगनर्स है मेकअप की दुनिया में, तो शायद उन लोगों को नहीं पता होगा, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि मेकअप ब्रशेस को कैसे वॉश कर। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्टली गाइज, हम लोग एक बाउल ले लेते हैं। उस बाउल में हम लोग एकदम हल्का सा गुनगुना पानी ले लेंगे, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी, अदरवाइज जो भी आपके ब्रशेस के जो ऐसे बाल होते हैं वो निकल सकते हैं, इसलिए एकदम गुनगुना हल्का सा पानी हम लोगों को लेना है। उसके बाद आपका जो भी मनपसंद शैम्पू हो, हेड एंड शोल्डर, क्लिनिक प्लस, कुछ भी हो, हम उसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे क्लिनिक प्लस ऐड किया है। उस क्लिनिक प्लस शैम्पू को उस पानी में अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम लोग इस तरह के जो भी ब्रशेस होंगे, आपके जो भी ख़राब ब्रशेस होंगे या फिर जो भी ब्यूटी ब्लेंडर्स होंगे, हम लोग उसमें ऐड करेंगे और उसे ऑलमोस्ट आधे से पौन घंटे तक हम लोग उस पानी के अंदर उस ब्रशेस को और ब्यूटी ब्लेंडर्स को रखेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसे ही पानी में डाला है, वैसे ही जो ब्यूटी ब्लेंडर्स और जो ब्रशेस का जो भी इसमें मेकअप प्रोडक्ट्स लगा हुआ था वो निकल रहा है। देन आधे से पौन घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो पूरा जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स ब्रश एंड ब्यूटी ब्लेंडर्स पे जो भी लगा हुआ था सब निकल जाएगा। उसे अच्छे से क्लीन करना है, पानी को फिर से चेंज करना है, फिर गर्म पानी लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप टैप के नीचे डायरेक्टली वॉश कर सकते हैं आपके ब्रशेस और ब्यूटी ब्लेंडर्स को, या फिर बाउल में ही ठंडा पानी लेके, ठंडा मीन्स टैप का पानी लेके अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको एकदम नीट एंड क्लीन कोई भी कपड़ा लेना है, या फिर टॉवल ले लीजिए, या फिर कोई भी हैंडकरचीफ, स्कार्फ, कुछ भी ले लीजिए, उसके ऊपर रखिए ब्रशेस को, अच्छे से उसे सोक कीजिए। उसके बाद एक घंटे तक मस्त फैन के नीचे उसे सूखने के लिए रखिए। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पानी के अंदर जाने के बाद ब्रशेस की हालत बहुत ज़्यादा से जैसे फूल कैसे मुरझा जाते हैं वैसे ही मुरझा जाएंगे, लेकिन इट्स ओके, जब वो सूख जाएंगे फिर देन फ्लफी फ्लफी हो जाएगा। आप हाथ से उसे ऐसे कर लेना, बहुत अच्छे से मतलब फूल जाएंगे ब्रशेस, सो डोंट वरी, और आपके ब्रशेस भी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो ये तो रहा मतलब इसे वॉश कैसे करना ये, लेकिन और फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब भी आप वॉश करते हैं ब्रशेस को, देन उसके बाद जब ब्रशेस सूख जाते हैं तो उसे कैसे भी नहीं रखना है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स होता है, तो वही डस्ट आपके ब्रशेस पे बैठेगा और जब आप मेकअप करेंगे तो आपके स्किन पे बैठेगा और आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। जैसे मेरी स्किन तो पहले से मुझे बहुत ज़्यादा पिंपल्स का प्रॉब्लम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर मतलब वो प्रिकॉशंस लेती हूँ। तो आप ऐसे टाइप का बॉक्स होता है ब्रशेस का, आप इसके अंदर सारे ब्रशेस आराम से रख सकते हैं। मैं इस बॉक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप इसमें आराम से ब्रशेस रख सकते हैं और ये डब्बा भी अच्छे से बंद हो जाता है। जब भी आपको यूज़ करना है आप इसे निकालिए और यूज़ कीजिए। ऐसे ओपन रखने से अच्छा है बंद करके रखिए, एंड इजी टू कैरी, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आप कहीं भी बैग में डाल के आप कहीं भी लेके जा सकते हो। अगर आपको ये बॉक्स नहीं चाहिए तो मेरे पास और एक है, ये पाउच है मेरे पास,
ब्रशेस का पाउच है, आप चाहे तो ऐसा पाउच भी खरीद सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे ब्रशेस हैं मेरे पास, इसमें आराम से आप रख सकते हैं। और मैंने इसमें से बहुत सारे ब्रशेस हैं जो अभी तक मैंने यूज़ नहीं किए, और आप देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा टेक केयर करती हूँ। मैंने अभी तक जो भी ब्रशेस मैं यूज़ करती हूँ फिर से मैं ये प्लास्टिक के अंदर रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर ज़रूरत नहीं है तो क्यों ऐसे खुला रखना। तो मैं इसमें मतलब इस पाउच में एकदम अच्छे से एंड पैक करके रखती हूँ, मैं कभी भी ब्रशेस को खुला नहीं रखती हूँ। सो आप लोगों को मेरा ये ज्ञान अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा यूज़फुल लगा होगा। अगर कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये रहा मेरा यूज़फुल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए मुझे हेल्प कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। गिव अवे अभी भी चल रहा है मेरे चैनल पर, सो गो एंड चेक आउट। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स। सारंगे।